भले ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में एक मैच से पीछे रह गई हो, पर वो रिकॉर्ड तोड़ने में पीछे नहीं रही और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स जानेंगे हमारी इस वीडियो में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज जारी है, जहां तीन में से पहले मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 209 रन का टारगेट दिया था, जिसके साथ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में अब तक का सबसे बड़ा टारगेट देकर एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारा लास्ट रिकॉर्ड 202 रन का था। कैप्टन रोहित शर्मा ने T20 में सबसे ज्यादा सिक्सेस का रिकॉर्ड इक्वल कर लिया है। ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के मार्टिन गिप्टिल के नाम था और अब 172 सिक्सेस के साथ रोहित शर्मा ने उनकी बराबरी कर ली है, यानी वो ये रिकॉर्ड तोड़ने से बस एक सिक्स पीछे हैं। 35 बॉल पर 55 रन के साथ केएल राहुल भी फॉर्म में दिखे और हार्दिक की 71 रन की पारी की तारीफ सबकी जुबान पर रही, जो उन्होंने सिर्फ 30 बॉल में हासिल कर ली थी और इंडिया को 208 रन तक ले गए थे। दिनेश कार्तिक की रिव्यू को लेकर समझदारी और अटेंटिवनेस की भी तारीफ की गई। कई जगह पर भले ही टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, पर इस हार से कई सवाल उठ गए, रोहित शर्मा की कप्तानी पर और खिलाड़ियों के फॉर्म पर। जहां लोगों को ऋषभ पंत टीम में नहीं दिखे, तो उन्होंने टारगेट हर्षल पटेल को बना लिया, जिन्होंने 18वें ओवर में 22 रन दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ आने वाले मैचेस में विराट कोहली भी एक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सबसे ज्यादा T20 रन बनाने का। जहां विराट के पास 3564 रन है, तो रोहित शर्मा के पास 3620 रन है, तो शायद विराट रोहित से इस रिकॉर्ड में आगे निकल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे अगले मैचेस 23 और 25 सितंबर को हैं, जिसके लिए शायद प्लेइंग 11 में थोड़े चेंजेस किए जा सकते हैं। आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।